मध्य प्रदेश के बैतूल में महिला सशक्तिकरण और महिला अपराध की रोकथाम के लिए शुरू किए गए संगवारी कार्यक्रम के बाद बैतूल में 8 मार्च महिला दिवस पर एक और नवाचार अभया स्क्वाड की शुरुआत की जा रही है। बैतूल SP सिमला प्रसाद के इस नवाचार से मंचलों पर लगाम लगाई जा सकेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान यहां ऊर्जा महिला डेस्क, संगवारी, निर्भया मोबाइल और ब्लू गैंग के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बैतूल SP ने इस नए नवाचार को लेकर जानकारी दी। पिछले 16 जुलाई को बैतूल के 8 थानों में शुरू की गई संगवारी मोबाइल के बाद इस नवाचार से महिला अपराधों पर लगाम लगाने में खासी मदद की उम्मीद है। भारतीय न्यूज के लिए बैतूल से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये हमारे देखने में आता है कि कई बार बच्चियां या महिलाएं इस प्रकार की कंप्लेन करती हैं कि उन्हें आने जाने में कई प्रकार की असुविधा उनको महसूस होती है। कुछ लड़के टॉन्ट करते हैं या कुछ लड़के अनावश्यक किसी चौराहे पे खड़े हुए हैं या वो किसी मार्केट वगैरह में जाती हैं तो उनको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है जिससे उनको डिसकंफर्ट महसूस होता है और कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि ईव टीजिंग वगैरह का शिकार वो हो जाती हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमने अभ्यास स्क्वाड बनाया है। इसमें जो 18 से ऊपर जो स्कूल गोइंग या कॉलेज की बच्चियां हैं, प्रत्येक थाने में हमने ऐसे 4 बच्चियों को चिन्हित किया गया है जो मोटरसाइकिल्स पे रहेंगी और वो ऐसे जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ जिस प्रकार की शिकायतें आती हैं और कुछ इस प्रकार के असामाजिक तत्व वहाँ खड़े रहते हैं या उपस्थित रहते हैं उनको रोक टोक करेंगी। इसी के साथ साथ जो हमारी ऑलरेडी एक महिला पुलिस की मोबाइल चलती है संगवारी, उसके एक सपोर्ट के लिए एक हमने अभया स्क्वाड का शुभारंभ किया है जो अलग अलग स्कूल्स में और कॉलेजेस में जाके अपने नंबर्स भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी और जो पब्लिक प्लेसेस की सेफ्टी के बारे में कहते हैं कि महिलाओं के आने जाने में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, किसी प्रकार का संकोच उन्हें किसी भी समय घर से बाहर निकलने में ना हो, ये सुनिश्चित करेगा अभया स्क्वाड। इसमें क्या बच्चियाँ ही रहेगी, स्कूल कॉलेजेस की बच्चियाँ ही रहेंगी? बच्चियाँ ही रहेंगी जो 18 से ऊपर हैं। प्रत्येक थाने से हमने 4 ऐसी बच्चियों को चिन्हित किया है जो एक्टिव हैं सोशली और जिनका इंटरैक्टिव स्किल्स भी हैं जिनके पास, कुछ उन्होंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग वगैरह भी ली है ताकि वो महिलाओं को भी बता सकती हैं। Subscribe now to most exciting channel ever.